नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनु राशि वालों हो जाइए सावधान, अगले आने वाले दो दिनों में 11 और 12 जुलाई 2022 से आपके जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह दो दिनों के समय अंतराल में आप सभी के जीवन काल में तीन बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, यह घटना सुनकर और जानकर आप सभी के हवा टाइट होने वाली है। दोस्तों, अगले दो दिन में आपको दुश्मन नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं पर और कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोग अगले दो दिनों में एक एक कदम अपने दुश्मनों से सावधान रहें। तो जितना हो सके आप लोग रहें सावधान और सतर्क। दोस्तों, आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आने वाले अगले दो दिनों में आप सभी को किन किन क्षेत्रों में सावधानियां रखनी होगी और कौन कौन से दुश्मनों से भी आपको यश में बचना होगा, और या दो दिन में आपको किन किन बातों को भी अपने ध्यान रखना होगा, और या दो दिन में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और दोस्तों करियर उद्योग को लेकर स्थितियाँ कैसे बचत होंगी। दोस्तों, दो दिन में आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों, आपकी धन लाभ की प्राप्ति कैसे होगी और आपके घर के माहौल और पारिवारिक जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम 100% सटीक देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण भी बताएंगे। दोस्तों, कि इस उपाय को करने से आपकी जीवन की हर एक परेशानी दूर होंगी और भगवान भोलेनाथ और भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारियाँ आप सभी को समय समय तक पहुँच सके। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के एक सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, कि भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान शपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो जाता है। और दोस्तों, हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। दोस्तों, आज आप जैसे कर्म करोगे आपको आने वाले समय में वैसे ही फल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कि अहंकार मनुष्य वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार को त्याग कर दें, अन्यथा आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी जिंदगी की सारी हस्तियां डूब जाएंगी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो, दोस्तों वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। तो आज दोस्तों बात करते हैं कि यह दो दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप सभी को किन किन क्षेत्रों में यह समय सावधानियां रखनी होगी और किन किन बातों को भी यह समय आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, जान लेते हैं विस्तार से। यह समय आपको धन से जुड़े हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा यह समय। लेकिन धन के लेन देन का कोई भी कार्य बिल्कुल ही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, और व्यवसाय क्षेत्र से आसान कुल धन लाभ हो जाएगा, परंतु खर्च भी आवश्यकता से अधिक करेंगे और इस कारण आपका बजट भी बिगड़ सकता है। और यह समय आपको समाज में अपना स्तर बनाए रखने के लिए कुछ धन भी खर्चा करना पड़ सकता है, और कुछ पार्टियों पर पैसा फंसने के कारण काम में विलम्ब हो सकता है, और आयात निर्यात के क्षेत्र में अच्छा काम यश में देखने को मिलेंगे, और नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी व्यस्त भी देखे जाएंगे। और यश में आपको आलस और अभिमान दोनों से ही बचना होगा, और साथ ही साथ यश में काम कल पर टालने की आदत से भी बाज आना होगा, अन्यथा जीवन में प्रगति और तरक्की दिलाने वाले बड़े अवसर से आप
हाथ भी धूप बैठेंगे और यह समय की प्रवार्ध का समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल है। इस दौरान आपके द्वारा किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग से करने पर निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। यह समय आपको दूसरों पर निर्भर होने से भी बचना होगा, अन्यथा समय पर मदद न मिलने पर आपके काम अटक सकते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उससे संबंधित कोई भी शुभ सूचना आपको यह समय प्राप्त हो सकती है, जिससे कि आपके घर परिवार अथवा प्रेम संबंध से जुड़ी किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए स्वयं के द्वारा की गई पहल सार्थक साबित होंगी और प्रेम संबंध को प्रगाढ़ भी बनाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की मजबूरियों और आवश्यकताओं दोनों को ही समझना होगा और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपनी बिजी लाइफ में से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। और यह समय के उत्तरार्ध में अपनी सेहत को लेकर विशेष रूप से सावधान है और खान पान और दिनचर्या सही तरीके से रखें। और यह समय कहीं लंबी ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। और इस राशि के व्यापारियों को यह समय अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है और टेंट हाउस वालों को किसी बड़ी पार्टी से बुकिंग का ऑर्डर भी यश में मिल सकता है। यश में बिना वजह घर के किसी भी सदस्य पर गुस्सा बिल्कुल ही ना करें और स्नान के बाद हाथ जोड़कर तुलसी के पौधों को प्रणाम करें, मानसिक शांति आपको मिलेगी। और यश में आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं और आसमान ज़्यादा उलझा नज़र भी आएगा और फूलों में ज़्यादा रंग भी दिखेंगे और आपके आसपास सब कुछ चमक भी उठेगा, क्योंकि आप इश्क का सरूर महसूस कर रहे हैं और काम को मनोरंजन के साथ न मिलाएं। और यश में कुछ ऐसा दिन है जब चीज़ उस तरह नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। और यश में किसी भी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालत खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नज़रिए से दोनों पक्षों को जांच लें। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर से पा सके। और घर और काम पर दबाव आपको गुस्सेल और बेचैन बना सकता है। यह समय अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। जिस पहचान और पुरस्कार की उम्मीद आप कर रहे थे वह बाद के लिए टल सकती है और आपको हताश का सामना भी करना पड़ सकता है। और यह समय इस राशि वालों के कलाकारों को बड़ा ही मौका मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं दो दिनों के उपाय के बारे में। दोस्तों आखिर आप लोगों को यह दो दिन में कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की हर एक परेशानियां दूर होंगी और भगवान भोलेनाथ और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों ऐसे में आप आने की सोमवार के दिन आप दही, सफ़ेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान भी देते हैं और सारे कष्टों और दुखों से भी मुक्ति देते हैं। और दोस्तों साथ ही अब यह समय कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम को आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं। दोस्तों आपकी जीवन की हर एक परेशानियां दूर होंगी और भगवान भोलेनाथ और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें, आपके जीवन के सारे बड़े कार्य बन जाएंगे।